दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष गुण देने वाला, शिक्षा देने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला, हमारे में परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्निर्माण, उन्नति की ओर जाना, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर के ऊपर की ओर उठना, यानी हमारी प्रोग्रेस करना, विकास करना, ये पुनरुत्थान का उद्देश्य है। और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन भारतीय संस्कृति के उत्थान के नए नए विषयों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इसी क्रम में आज का विषय है बाहरी एवं भीतरी पवित्रता। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, यहाँ पर दो तरह के वातावरण हैं, एक बाहरी वातावरण और दूसरा है भीतरी वातावरण। ये दो वातावरण किस तरीके से हमारी पवित्रता से जुड़े हुए हैं, ये हम तीनों का आपस में इंटरलिंक करेंगे, तीनों का अंतर संबंध करेंगे कि किस तरीके से बाहरी वातावरण भीतरी वातावरण को प्रभावित करता है, भीतरी वातावरण बाहरी वातावरण को प्रभावित करता है। और जो हमारी स्वच्छता, हमारी पवित्रता, जो हमारा मुख्य ध्येय है, किस तरीके से मेंटेन की जाती है और किस तरीके से प्रभावित होती है। हमारी सृष्टि में दो तरह के जगत हैं, एक तो बाहर का जगत जिसे हम लौकिक जगत कहते हैं, एक भीतर का जगत। भीतर का जगत व्यक्तिक होता है, सेल्फ वर्ल्ड कहलाता है, जिसके अंदर व्यक्ति स्वयं रहता है, उसकी अनुभूतियाँ रहती है, उसकी प्रतीति रहती है, उसका अनुभव रहता है, उसकी सोच रहती है, उसके विचार रहते हैं। और वो बड़ी मुख्य बात होती है, भीतर का जगत से बाहरी जगत को खुराक मिलती है, भीतर का जगत बाहरी जगत से प्रभावित होता है, लेकिन आता जो है वो भीतर से बाहर की ओर आता है। अगर भीतर शून्य है तो बाहर कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रभावी जरूर होता है, लेकिन मुख्य जो जेनरेशन है, मुख्य ओरिजिनेशन है, वो हमारा भीतर है। इसीलिए भीतर के लिए कहा जाता है कि भीतर के जगत के नियम अलग है, क्योंकि भीतर का जगत सूक्ष्म है, एब्स्ट्रैक्ट है, अदृश्य है। और दूसरा हमारा बाहर का जगत, लौकिक जगत, जिसको हम पर्यावरण कह सकते हैं, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, ये सारा हमारा बाहर का जगत होता है। बाहर के जगत के अंदर हम सभी मिलकर के साथ में रहते हैं और वो एक सामाजिक रूप लेता है, एक राज्य का रूप लेता है, एक देश का रूप लेता है और विश्व का रूप लेता है। और सारी मानवता, सारी सृष्टि के आज 7 अरब के लोग जो है एक साथ इस लौकिक जगत के अंदर अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वह उसका जगत बन जाता है, वह उसका क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार पाता है, लेकिन ये सारे क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्शन है। और ऐसा कहा जाता है कि द होल कॉस्मॉस इज इंटर रिलेटेड एंड होल कॉस्मॉस इज बिल्ट अप ऑफ द वाइब्रेशंस। जो विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है, वो जानते हैं कि हमारी इस सृष्टि के अंदर जो कुछ एनर्जी होती है, वह इस सृष्टि के अंदर हर वक्त एक सी बनी रहती है, एनर्जी का नाश नहीं होता है। और एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया गया, E=mc², E=energy, m=mass और c उसका एक कांस्टेंट है। यानी ये जो मास है ये कन्वर्ट होती रहती है और एनर्जी के रूप ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, उसमें रूपांतरण होता है। लेकिन विश्व की एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं रहती है, ये त्रैकालिक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हर समय में रहती है, ये सार्वभौम सत्य कहलाता है। इसीलिए जो हमारा लौकिक जगत है, वह उसके अंदर हम श्वास लेते हैं, जीते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्यकलाप करते हैं। अब भीतर के जगत को देखें तो भीतर के जगत के अंदर इंसान चिंतन करता है, सुख है भीतर है, चिंतन है भीतर है, आनंद भीतर है, उसको बाहर खोजना व्यर्थ है।
कस्तूरी के मृग की बात कही गई है, मृग तृष्णा की बात कही गई है कि मृग जो है तृष्णा के वसीभूत होकर के इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी की सुगंध है, उसको ज्ञान नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, इसलिए वो भटकता रहता है। उस भटकाव को मृग तृष्णा कहा जाता है। ये मृग तृष्णा मनुष्य पर भी लागू होती है। मृग तृष्णा से वसीभूत होकर के व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है, ये अज्ञान है। और जब ये अज्ञान की समाप्ति हो जाती है तब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होता है। अज्ञान की समाप्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा विषय जो है भीतरी और बाहरी पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पवित्रता को हम स्वच्छता कह सकते हैं, क्लीनलीनेस कह सकते हैं, शुद्धिकरण कह सकते हैं, प्योरिटी कह सकते हैं। यानी आज के इस युग में, आज के इस युग में नहीं, हर युग के अंदर मनुष्य को शुद्धता प्रिय है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि जिस घर के अंदर साफ सफाई है, जिस घर के अंदर कोई दुर्गंध नहीं है, तो वहाँ हम बैठना पसंद करेंगे। और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चले जाते हैं, चाहे रेलवे का प्लेटफॉर्म हो, चाहे होटल हो, चाहे बस का अड्डा हो, चाहे हवाई जहाज का हो, अगर वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर बदबू है, सब चीज़ अव्यवस्थित पड़ी है, तो हम ये चाहेंगे कि हम यहाँ से जल्दी निकलें। वो हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, वो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, वो हमारी बुद्धि को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मुख्य बात ये है कि व्यक्ति को पवित्रता पसंद है, सफाई पसंद है। अब प्रश्न ये है कि पवित्रता, क्योंकि भीतर के जगत की हम बात कर रहे हैं, तो पवित्रता कैसे आती है, पवित्रता किस तरीके से पैदा होती है, ये सारी पवित्रता के लिए सारा संबंध भीतर की पवित्रता का हमारे विचारों से है। आज हम पूरे वैज्ञानिक लोग और हमारे इस जो है पर्यावरण के पर्यावरण जो विद हैं, वो आज बड़े परेशान हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पानी दूषित हो रहा है, और अग्नि दूषित हो रही है, वायु दूषित हो रही है। हमारी ये पृथ्वी पंचभूतात्मक गिनी जाती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी दूषित हो रहे हैं। इसीलिए आज ये कहा जाता है, एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन वह इस प्रदूषण के कारण स्वस्थ रह नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रदूषित जल मिलता है, प्रदूषित वायु मिलती है, प्रदूषित उसको सब्जी मिलती है, हर चीज़ प्रदूषित मिलती है। तो ये भी हमारी पवित्रता से जुड़ा हुआ है, ये हमारी बाहर की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। बाहर की पवित्रता का अर्थ होता है कि ये सृष्टि जिस रूप के अंदर है उसकी हम छेड़छाड़ नहीं करें, इसका दोहन किया जाता है, इसको अव्यवस्थित किया जाता है, तो वह अशुद्धि हो जाती है, वह गंदगी हो जाती है। इसीलिए जो वस्तु का वस्तु सहायो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसको रहने देना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको किसी तरह से बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हमारी सृष्टि के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हम उसके अंदर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों छोड़ें। हमारा जल हमको शुद्ध चाहिए, वो जल के अंदर ये जो रंगाई के, छपाई के और कितने अशुद्धि के कारखाने हैं, जिसके अंदर की मल है, मूत्र है, वो सारा विसर्जित करके हम पीने के पानी को, हमारी नदियों को, हमारे बांधों को प्रदूषित करते हैं, ये सारी अपवित्रता है, गंदगी है। अपवित्रता को हम गंदगी भी कह सकते हैं। भीतर की पवित्रता का जहां तक प्रश्न है, वो हमारे वैचारिक प्रदूषण की बात आती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सीधा पवित्रता से जुड़ा हुआ है। इसकी हम सांगोपांग व्याख्या करेंगे, क्योंकि आज इस विश्व को प्रदूषित किया जा रहा है, इस विश्व को आज जीने लायक नहीं रखा गया है, ये विश्व एक नारकीय स्थिति बनती जा रही है। वो सबसे बड़ा कारण ये है, वैचारिक प्रदूषण।
विचार हमारे भीतर से बनते हैं, भाव हमारे भीतर से आते हैं। सबसे मुख्य भाव होता है, ये भाव हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए कार्मण शरीर से जो है हमारा जैसा पूर्व जन्म में हमने अर्जित किया हुआ है, वो ही समय समय पर उदय आकर के एक्सप्लोर होकर के हमारे जो अवचेतन मन है, हमारा तेजस शरीर है, जो लेशिया की फैक्ट्री है, उसके अंदर इसका रूपांतरण होकर के भाव बनता है। इसीलिए भाव मुख्य है। हम भाव शुद्धि की बात करेंगे आज इस टॉपिक के आधार पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि भीतरी और बाहरी अगर हम पवित्रता को लाना चाहते हैं तो हमें भाव शुद्धि करनी पड़ेगी। मेरा निष्कर्ष भाव शुद्धि पर आएगा तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा भाव होता है वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है, जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा समाज बनता है, जैसा समाज होता है वैसा देश बनता है, और जैसा देश होता है वैसा विश्व बनता है। देखिए, एक व्यक्ति का संबंध पूरे विश्व से है, और हम लौकिक जगत की बात करें तो एक परिंदा भी जब पांव फड़फड़ाता है तो विज्ञान के लोग, विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं उसमें साइनोसोडल जो है वेव्स निकलती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेव लेंथ होती है। तो ये पूरा जो है हमारा जो पर्यावरण है वह उससे इफेक्टेड होता है। मैं बोल रहा हूँ, इससे पूरा पूरा हमारा जगत है वो प्रभावित हो रहा है। और जो व्यक्ति जितना बोलता है, उपदेश देता है, अच्छी बात करता है, बुरी बात करता है, सब इस पर्यावरण के अंदर ही रहती है, इस जगत के अंदर ही रहती है। इसीलिए इस जगत को शुद्ध रखने के लिए, चाहे बाहर का जगत हो चाहे भीतर का जगत हो, तो हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। इसके ऊपर मेरा आज सारी स्ट्रेस है और मेरा कॉन्क्लूजन है, मेरा निर्णय है, मेरा ये सोच है। हम ये कह रहे थे कि आज प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। अरे प्रदूषण, बाहर के प्रदूषण की तो व्यवस्था है, उसको हम बाहर गिरा सकते हैं, एक जगह डंप किया जा सकता है, चीज़ को व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन भीतर का प्रदूषण देखिए, भीतर का प्रदूषण क्या है? भीतर का प्रदूषण है नेगेटिव थॉट्स, हमारा राग द्वेष। एक भाषा में बात करूं कषाय, दो शब्दों में बोलूं तो राग द्वेष, और चार शब्दों में बोलूं तो क्रोध मान माया लोभ। और इसको पूरी पापकारी प्रवृत्ति के रूप में करूं तो ये हमारी दार्शनिक भाषा में 18 तरह के जो है वो पाप गिने जाते हैं, वो सारे नेगेटिव थॉट्स है, वो सारा वैचारिक प्रदूषण है, और वो उसकी जननी है वो राग द्वेष है। दैट इज वाई इट इज टोल्ड The patience, what are the patience? Patience are the attachment, aversion is the biggest impurity. It is attached with our supreme soul which is pure, and with purity this attachment and aversion has made it impure. That is why the soul existence in body and soul roams in the 84 lakh jiva yoni. That is the cause of this impurity which is causing our pure soul to revolve in this cosmos. To main ye kehna cha raha hu ki raag dvesh uski janani hai, aur negative thought ko aap darshnik drishti se sunna chahe to 18 tarah ke paap bataye gaye hain, 18 tarah ki negativity bataya gaya hai, 18 tarah ke negative thoughts bataye gaye hain। Manovigyanik log isko negativity kehte hain, isko negative thoughts kehte hain। Wo kya hai? Pranatipa, marsavad, adattadan, maithun, prigrah, krodh, maan, maya, lobh, raag, dvesh, kalah, abhyakhyan, paisunya, paripariwad, ratti, harti, maya, marsha, mithya, darshan, sallipa। Ye 18 tarah ke तरह के पाप हैं, 18 तरह की नेगेटिविटी है जो कि हमें भीतरी पवित्रता को अशुद्ध करती है। तो अब प्रश्न यह है कि हमने डायग्नोसिस किया कि हमारी पवित्रता को हार्म करने वाला, पवित्रता को डैमेज करने वाला, पवित्रता को खराब बनाने वाला वो हमारा राग द्वेष है।
अब इस राग द्वेष को कैसे जीता जाए? अगर राग द्वेष जीत लिया जाता है, एक इंसान ईश्वर का रूप हो जाता है। ईश्वर किसे कहा जाता है? जो राग द्वेष मुक्त है, जिसमें न तो राग है न द्वेष है, यानी उसमें समभाव है, वह स्थित प्रज्ञ है, वह अनुकूल प्रतिकूल और उसके बाद के अंदर जो है स्तुति निंदा, रात दिवस, सर्दी गर्मी, कष्ट सहिष्णुता, सब में सम रहता है, दोनों को एक मानता है। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जब विचारों के अंदर समभाव आ जाता है, तो समभाव आने के कारण वैचारिक प्रदूषण नहीं होता है और वह आज संभाव की समाप्ति हो गई है। आज घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर, दो देशों के बीच के अंदर इतनी कटुता बढ़ गई है कि हमारी पवित्रता आज नाश होने जा रही है। आज हमारे परिवार जो है विनाश के कगार पर है। आज आप किसी परिवार को देखिए कि परिवार की पहले परिभाषा की जाती थी कि परिवार वह होता है जिसमें माँ बाप, माता पिता, दादा दादी ये एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, एक छत के नीचे कई कई सैकड़ों सैकड़ों लोग, कई जनरेशन्स एक साथ निवास करती है। उससे एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के अंदर हमारी सद्भावना बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। उसका कारण यह है कि पवित्रता समाप्त हो गई है, व्यक्ति भीतर से खोखला हो गया है, भीतर से बिल्कुल अशुद्ध हो गया है। हमारी देशी भाषा में बात करें तो पाप का घड़ा भर रहा है। जब पाप का घड़ा पूरा भर जाता है तब वो फूटता है। हम घड़े की बात करें, घड़े के अंदर उसकी कैपेसिटी से अधिक कोई चीज़ डालती जाती है तो वो फूटता है। तो इस वैचारिक प्रदूषण जो कि पाप है, वो पाप का घड़ा फूटने जा रहा है और प्रकृति इसमें नया परिवर्तन लाएगी। आज उसके परिणाम आप देखिए, हमारे वैचारिक प्रदूषण के परिणाम देखिए। आज आतंकवाद बड़ी समस्या बना हुआ है। कुछ 5-7 युवक लोग जो आतंकी होते हैं, किसी भी जगह के अंदर घुस करके अप्रिय इवेंट करके, बंधक बना करके, लोगों को प्रताड़ना दे करके और इतना मजबूर कर देते हैं वहाँ की सरकार को, वहाँ के लोगों को, कि उसकी गलत बात को स्वीकार करना पड़ता है। और ग्लोबलाइजेशन का युग होने के कारण यह बात पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वैचारिक प्रदूषण का जो कि हमारी पवित्रता से जुड़ा हुआ है, पवित्रता का विरोधी है, इसीलिए उसको हमें उसको टारगेट में रह करके उसका शुद्धिकरण करना है। बुरी बात दुनिया में बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी बात बहुत ही देरी से फैलती है, धीरे धीरे फैलती है। अब आप देखिए, किसी भी बच्चे को जो गलत चीज़ें हैं, झूठ बोलना है, व्यसन करना है, या क्रोध करना है, अहंकार करना है, माया करनी है, लोभ करना है, क्या ये कहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं दी जाती। वैसे तो मनुष्य के भीतर 10 तरह की संज्ञाएं होती है। मनुष्य नहीं, दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो पूरे विश्व के समस्त जीवों के अंदर 10 संज्ञाएं होती ही है। कौन कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संज्ञा। ये हर प्राणी में होती है, चाहे एकेंद्रीय होता है प्राणी, चाहे पंचेंद्रीय होता है, उसके बिना प्राणी का अस्तित्व नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ में अपवित्रता, उसके साथ कार्मण शरीर, उसके साथ अशुद्धि जुड़ी हुई है। हमारा लक्ष्य है इस अशुद्धि को, इस गंदगी को साफ करना है। चाहे बाहर की गंदगी हो, चाहे भीतर की गंदगी हो, वो आज का विषय है कि वो अपवित्रता क्या है और उसको कैसे साफ किया जा सकता है और साफ करने से हमें क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारे स्वरूप की प्राप्ति होती है। 24 कैरेट का सोना जब उस अवस्था के अंदर आता है
तो वो एक आइडियल बनता है, सबके लिए प्रिय हो जाता है, सबके लिए आदर्श बन जाता है, गहने बनाने के काम में आता है। और उसके अंदर अशुद्धि डालते जाते हैं, 10%, 20%, 25%, 50%, तो अशुद्ध होता जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, एक पवित्रता और अपवित्रता का मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, वैचारिक प्रदूषण का उदाहरण देना चाहता हूँ कि समाज के अंदर वैचारिक प्रदूषण कैसे फैलता है, वो उससे आज का विषय आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक राजा ने ये अपनी प्रजा को निर्देश जारी किया कि हमें भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना है और उसमें हर नागरिक को एक एक लोटा दूध का जो है वो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ताकि भगवान की स्तुति के अंदर जो है वो स्तुति के अंदर सबका योगदान हो जाए। तो उन्होंने आदेश दिया कि गांव का जो तालाब है वो एकदम साफ कर दिया गया है, उस तालाब के अंदर प्रति व्यक्ति को एक लोटा दूध डालना है, ताकि भगवान के अभिषेक के लिए सफिशियंट जो है हमारे पास में दूध हो जाए और हर व्यक्ति जो है वो सामूहिक रूप से उसका उपयोग करके और भगवान का अभिषेक कर सके। अब देखिए, वैचारिक प्रदूषण बात आई है कि पूनम की रात थी और एक पहला व्यक्ति जो कि समझ लीजिए कि गांव का माना हुआ व्यक्ति था, उसके दिमाग के अंदर गलत बात आई कि अगर मान लो एक लोटा दूध की जगह अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद तो हजारों लाखों लोग हैं, वो तो दूध डालेंगे ही। अब देखिए, उसकी प्रज्ञा बिगड़ी, उसकी बुद्धि बिगड़ी, उसके नेगेटिव थॉट आए, उसके वैचारिक प्रदूषण हुआ, तो उसने वो पानी का लोटा डाल दिया। उसका प्रभाव क्या हुआ? हमारी आत्मा एक दूसरे से प्रभावित होती है, हमारे विचारों का एक दूसरे से जो है वो संपर्क होता है, इसको विचार संप्रेषण कहा जाता है। हम प्रभावित होते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के माध्यम से जान सकते हैं, इतनी पावरफुल ये हमारी वैचारिक संप्रेषण की अवस्था होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमारा ये आधा घंटा का समय आप लोगों के साथ कैसे निकल जाता है, लगता है कि मात्र 5 मिनट ही हुए हैं, इसका कारण ये है कि आपको और हमारे को आनंद आ रहा है, आप और हमारे बीच में तारतम्य बन गया है, आप और हमारे बीच के अंदर विचारों का एक तार जुड़ गया है, इस कारण से ये सत्संग हमारी सफल हो रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आनंद के साथ आप अपने जीवन को यापन करें।